चैप्टर 18 के पहले हिस्से में हम देखेंगे कि पीएन जंक्शन कैसे काम करता है और फिर उसकी दो कॉन्फ़िगरेशन फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस डिस्कस करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक्स से मुराद है इलेक्ट्रॉन की स्टडी और उसकी एप्लीकेशन। इलेक्ट्रॉनिक्स की वजह से दुनिया में एक इनकलाब आया 20th सेंचुरी में, 1930s में, स्पेशली जब ट्रांजिस्टर ईजाद हुआ, क्योंकि ट्रांजिस्टर की मदद से लॉजिक गेट्स बनाए गए और लॉजिक गेट्स की वजह से डिजिटल सिस्टम्स, यानी ऐसे सिस्टम जो वंस एंड जीरोस में डाटा को स्टोर करते हैं, उससे पहले दुनिया एनालॉग सिस्टम के ऊपर काम करती थी, जैसे एनालॉग फ़ोन जिसमें आप हाथ से नंबर डायल करते हैं, या एनालॉग रेडियो। एनालॉग से जब डिजिटल के ऊपर हर चीज़ को कन्वर्ट किया गया तो सब चीज़ें बदल गईं, जैसे फाइल स्टोर करने का सिस्टम वगैरह वगैरह। इस चैप्टर में हम मेनली ट्रांजिस्टर और लॉजिक गेट्स को स्टडी करेंगे। ट्रांजिस्टर को समझने के लिए हमें पता होना चाहिए कि पीएन जंक्शन क्या होता है, और पीएन जंक्शन को समझने के लिए हमें पता होना चाहिए कि सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं और उनके अंदर डोपिंग किस तरह होती है, जो कि हम पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। तो इस चैप्टर में हम पीएन जंक्शन से शुरू करेंगे, ट्रांजिस्टर पढ़ेंगे, लॉजिक गेट्स और डिजिटल सिस्टम्स। हम अगर एक एन टाइप सेमीकंडक्टर को एक पी टाइप सेमीकंडक्टर के साथ कॉन्टैक्ट में लेके आएँ तो क्या होता है? एन टाइप के अंदर होते हैं एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स और पी टाइप के अंदर एक्स्ट्रा होल्स। एन टाइप के इलेक्ट्रॉन्स पी टाइप के होल्स के साथ कंबाइन होना शुरू हो जाते हैं दोनों के बॉर्डर के ऊपर। अब एन टाइप रीजन में जो एटम्स अपने इलेक्ट्रॉन्स दे रहे होते हैं उनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन लूज कर लेते हैं, आयनाइज हो जाते हैं। तो इस पूरे एंड के ऊपर एक रीजन बन जाता है पॉजिटिवली चार्ज रीजन। और दूसरी साइड पे पी टाइप रीजन के जो एटम्स इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहे होते हैं उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है, और इन आयनाइज्ड एटम्स की वजह से पी टाइप रीजन के अंदर एक नेगेटिवली चार्ज्ड रीजन बन जाता है। अब इसकी मिसाल बिल्कुल एक कैपेसिटर प्लेट की तरह है। कैपेसिटर को जब हम चार्ज करते हैं तो एक प्लेट पॉजिटिवली चार्ज हो जाती है और दूसरी प्लेट नेगेटिवली चार्ज हो जाती है। इस पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेट के दरमियान एक इलेक्ट्रिक फील्ड होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से, यानी इन दोनों के बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस आ जाता है, डेल्टा वी। इसी तरह एन और पी रीजन के दरमियान ये जो चार्ज रीजन आ गए हैं इनकी वजह से पोटेंशियल डिफरेंस आ जाता है इनके दरमियान, डेल्टा वी हम उसको कहते हैं, और वो सिलिकॉन के केस में 0.7 वोल्ट्स और जर्मेनियम के केस में 0.3 वोल्ट्स होता है। इस पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से क्या होता है कि मजीद इलेक्ट्रॉन एन रीजन से पी रीजन के होल के साथ कंबाइन नहीं हो सकते। इसकी एग्जांपल ऐसे है कि अगर आपके पास एक ग्राउंड है जिसमें लोग खड़े हुए हैं और दूसरा ग्राउंड है जिसमें कुर्सियां लगी हुई हैं, मगर इन दोनों के लेवल में फर्क है और लोगों के अंदर इतनी पोटेंशियल एनर्जी नहीं है कि वो इस लेवल को ओवरकम करके इन कुर्सियों के ऊपर जाके बैठे, तो वो कुर्सियों पर नहीं जा सकेंगे। इसी तरह एन रीजन में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके अंदर इतनी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी नहीं है कि पी टाइप के होल्स के साथ वो कंबाइन करें, क्योंकि वो होल्स पे जाने के लिए उनको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी चाहिए जो इस वक्त उनके पास नहीं है। डिप्लीशन रीजन ऑफ अ जंक्शन इज फॉर्म्ड ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस या व्हेन फॉरवर्ड बायस इज अप्लाइड टू इट या अंडर रिवर्स बायस या व्हेन टेम्परेचर इज रिड्यूस्ड। तो पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर को जब हम कॉन्टैक्ट में लेके आते हैं, सिर्फ कॉन्टैक्ट में लाने से डिप्लीशन रीजन फॉर्म हो जाता है, तो हम कह सकते हैं ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। और इसलिए भी क्योंकि हमें पता है कि फॉरवर्ड बायस या रिवर्स बायस में डिप्लीशन रीजन की विड्थ चेंज होती है, वो पहले से मौजूद होता है। तीसरी चीज़, जब टेम्परेचर चेंज किया जाता है तो भी डिप्लीशन रीजन की विड्थ के ऊपर फर्क पड़ता है, मगर वो क्रिएट नहीं होता उसकी वजह से। पीएन जंक्शन की एग्जांपल हमने इस तरह ली कि एक फ्लोर है जिसके ऊपर लोग हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इन इलेक्ट्रॉन्स का एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, इन लोगों का एक पोटेंशियल है, और दूसरा फ्लोर पे कुर्सियां हैं जो होल्स को रिप्रेजेंट कर रही हैं, इनके साथ भी एक पोटेंशियल एसोसिएटेड है, क्योंकि जो एक होल होता है हर होल का डिफरेंट होता है कि उस तक पहुंचने के लिए इलेक्ट्रॉन को कितनी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी चाहिए, इसलिए इन होल्स के साथ भी एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एसोसिएटेड है। इन दोनों के पोटेंशियल्स में एक डिफरेंस है और लोगों के अंदर इतनी पोटेंशियल एनर्जी नहीं है कि वो इस बैरियर को क्रॉस करें, इसलिए कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा, यानी कोई लोग इस साइड पर नहीं जा सकते, इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ नहीं आ सकते। अब हम बैटरी कनेक्ट करते हैं पीएन जंक्शन के साथ और देखते हैं कि क्या होता है। एन रीजन के साथ हम पॉजिटिव टर्मिनल और पी रीजन के साथ नेगेटिव टर्मिनल बैटरी का कनेक्ट करते हैं।
बैटरी का क्या काम होता है कि वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल चेंज करती है चार्ज कैरियर्स का, मगर हमने बैटरी उल्टी कनेक्ट की है। इसकी वजह से क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन्स का पोटेंशियल मजीद कम हो जाएगा और होल्स का पोटेंशियल मजीद ज़्यादा हो जाएगा, तो इन दोनों के बीच में जो पोटेंशियल बैरियर था वो मजीद बढ़ जाएगा। अब और ज़्यादा मुश्किल है कि करंट फ्लो हो, इसलिए रिवर्स बायस में करंट फ्लो नहीं होता मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स की वजह से, और पीएन जंक्शन बहुत हाई रेजिस्टेंस ऑफर करता है। इस कॉन्फ़िगरेशन को हम रिवर्स बायस कहते हैं। मगर रिवर्स बायस में माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स की वजह से करंट फ्लो करता है। पी रीजन में कुछ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और एन रीजन में कुछ होल्स होते हैं, बहुत ही कम होते हैं इनकी क्वांटिटी। इनके लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सही डायरेक्शन में बढ़ा है, मतलब ऐसा है जैसे इस फ्लोर के ऊपर कुछ लोग थे और इस नीचे वाले फ्लोर के ऊपर कुछ कुर्सियां थी, मगर ये बहुत कम है। इनका इन इलेक्ट्रॉन्स जो बैटरी के साथ कनेक्टेड हैं, बैटरी वाली साइड पे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, उनका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बैटरी ने बढ़ा दिया है। अब ये लोग आराम से हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल के ऊपर आ सकते हैं, लो से हाई पे नहीं जा सकते। तो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स की वजह से करंट फ्लो करेगा, मगर उसकी क्वांटिटी बहुत कम होगी। मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स की वजह से करंट फ्लो नहीं करेगा। पीएन जंक्शन को जब हम रिवर्स बायस में चलाते हैं तो हम उनको, इसका मतलब है हम उसको नेगेटिव वोल्टेज दे रहे हैं, उसके नतीजे में नेगेटिव डायरेक्शन में करंट फ्लो होता है। माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स बहुत कम होते हैं, इसलिए वो एक करंट एक वैल्यू पे जाके सैचुरेट हो जाता है, जो कि बहुत कम होती है वैल्यू, आई नॉट फ्यू माइक्रो एम्पेयर्स के बराबर होती है। उसके बाद हम वोल्टेज बढ़ा भी दें तो करंट नहीं बढ़ता, क्योंकि माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स टोटल होते ही कम है। मगर एक सर्टन वोल्टेज के बाद एकदम से करंट रिवर्स डायरेक्शन में बहुत ज़्यादा फ्लो करता है और डैमेज हो जाता है हमारा पीएन जंक्शन। इस पॉइंट को जंक्शन ब्रेकडाउन कहते हैं। जंक्शन ब्रेकडाउन इसलिए होता है कि जब हम रिवर्स डायरेक्शन में वोल्टेज बढ़ा रहे हैं तो हम माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स को एनर्जी बढ़ा रहे हैं, जो कि उनकी पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी दोनों की शक्ल में होती है। एक पॉइंट पे उनकी जब काइनेटिक एनर्जी इतनी ज़्यादा हो जाती है कि वो कोवेलेंट बॉन्ड्स को तोड़ना शुरू हो जाते हैं, जो पीएन जंक्शन के ऊपर आयनाइजेशन हुई हुई होती है, वो उसको डैमेज करना शुरू कर देते हैं, और जिसकी वजह से पीएन जंक्शन ख़त्म हो जाता है, डैमेज हो जाता है, और फिर बहुत हाई काइनेटिक एनर्जी वाले माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स एकदम से इसके अक्रॉस फ्लो करते हैं। तो इस पॉइंट पे बहुत ज़्यादा करंट फ्लो होता है और जंक्शन डैमेज हो जाता है या ब्रेक डाउन हो जाता है। अगर हम एक पीएन जंक्शन को फॉरवर्ड बायस करें, यानी एन टाइप मटेरियल को नेगेटिव टर्मिनल और पी को पॉजिटिव के साथ अटैच करें, तो अब बैटरी इलेक्ट्रॉन्स की पोटेंशियल एनर्जी को बढ़ाती है, जिसकी वजह से पहले इलेक्ट्रॉन्स पोटेंशियल बैरियर अबूर नहीं कर सकते थे। अब बैटरी ने उनकी पोटेंशियल एनर्जी ऊपर ले गई होल से, और अब इलेक्ट्रॉन्स आराम से हाई पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ आ सकते हैं, जिसकी वजह से करंट फ्लो करता है। मगर हमारी बैटरी पोटेंशियल बैरियर से ज़्यादा पोटेंशियल देना चाहिए, यानी 0.7 अगर सिलिकॉन का है तो 0.7 से ज़्यादा जब पोटेंशियल बैटरी देगी तो करंट फ्लो करेगा। फॉरवर्ड बायस के अंदर हम वोल्टेज और करंट को का रिलेशनशिप देखते हैं कि हम कितनी वोल्टेज देख रहे हैं उसके हिसाब से कितना करंट फ्लो कर रहा है वो इंक्रीज करता है, और इस हिसाब से इस कर्व से हम उसकी रेजिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं, वोल्टेज ओवर करंट। अ डायोड कैरेक्टरिस्टिक कर्व इज अ प्लॉट बिटवीन, डायोड पे हम वोल्टेज अप्लाई करते हैं और उसका करंट देखते हैं, और फिर हमें पता चलता है वो डायोड किस तरह बिहेव कर रहा है। तो वोल्टेज और करंट के दरमियान जो ग्राफ होता है उसको कैरेक्टराइज करने में हमारी मदद करता है। विड्थ ऑफ डिप्लीशन रीजन ऑफ अ जंक्शन इज रिड्यूस्ड अंडर फॉरवर्ड बायस बिकॉज मोर चार्ज कैरियर्स बिकम अवेलेबल, नंबर ऑफ माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स इज रिड्यूस्ड, डोपिंग लेवल इज इंक्रीज्ड, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स ऑन बोथ साइड ऑफ द जंक्शन आर ड्रिवन टुवर्ड्स इट। फॉरवर्ड और रिवर्स बायस करने से नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स के ऊपर कोई असर नहीं पड़ता। नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स उस वक्त चेंज होते हैं जब अगर हम टेम्परेचर ज़्यादा करें, या हम और इम्प्योरिटी डालें, या इस तरह का कुछ करें कि बॉन्ड्स ब्रेक हों जिनकी वजह से कैरियर्स रिलीज हों, या ऐसा कुछ हो। जब हम सिंपली फॉरवर्ड या रिवर्स बायस करते हैं तो चार्ज कैरियर्स उतने ही रहते हैं, सिर्फ बैटरी उनको एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड करती है जिसके मुताबिक उनका फ्लो चेंज होता है। तो इन चार ऑप्शंस में से तीन ऑप्शंस में ये दिया हुआ है कि उनके अंदर नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स चेंज हो रहे हैं, मोर चार्ज कैरियर्स बिकम अवेलेबल,
या नंबर ऑफ माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स कम हो जाता है या डोपिंग लेवल इंक्रीज हो जाता है, तो बाइसिंग से इन तीनों चीज़ों के ऊपर कोई असर नहीं पड़ता। सिर्फ उसकी वजह यह होती है कि मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स दोनों तरफ से जंक्शन की तरफ आ रहे होते हैं, इस वजह से जंक्शन की विड्थ ऑटोमेटिकली कम हो जाती है क्योंकि ऑपोजिट चार्ज आ रहा होता है। एन साइड के ऊपर से इलेक्ट्रॉन्स आ रहे होते हैं और उसके जंक्शन के ऊपर पी साइड पी टाइप चार्ज होता है, तो जब नेगेटिव चार्ज यहाँ से आता है तो वो पी साइड टाइप को रिपेल करता है और दूसरी तरफ पी टाइप से होल्स इधर आ रहे होते हैं और वो नेगेटिव चार्ज को रिपेल करते हैं, तो जंक्शन की विड्थ कम हो जाती है। जंक्शन ब्रेकडाउन अकर्स अंडर हाई टेम्परेचर विद फॉरवर्ड या अंडर रिवर्स या बिकॉज ऑफ मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट। हाई टेम्परेचर की वजह से जंक्शन ब्रेकडाउन हो सकता है क्योंकि जब टेम्परेचर ज़्यादा करते हैं तो रिवर्स करंट जो माइनॉरिटी चार्ज केस की वजह से होता है उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। इसको हम साइड पे करते हैं रखते हैं। फॉरवर्ड बायस में ब्रेकडाउन नहीं होता, फॉरवर्ड बायस में वोल्टेज ज़्यादा करते हैं तो करंट ज़्यादा होता है, या मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट की वजह से अगर हो तो उसको हम कंसिडर नहीं करें, हम कह रहे हैं कि एक ठीक डायोड है तो उसका ब्रेकडाउन किस वक्त होता है। होता हमेशा रिवर्स बायस में जंक्शन ब्रेकडाउन, टेम्परेचर की वजह से हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, और टेम्परेचर की वजह से जो असर होता है वो इतना ज़्यादा नहीं होता, बहुत आहिस्ता आहिस्ता असरअंदाज होता है, लेकिन ये तो हमें कन्फर्म पता है कि रिवर्स बायस में जंक्शन ब्रेकडाउन होता है, तो इसको हम ट्रू कर सकते हैं आराम से। ज़ीनर ब्रेकडाउन अकर्स। ज़ीनर एक तरह का डायोड होता है, मोस्टली इन जर्मेनियम जंक्शंस ड्यू टू रप्चर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड्स, इन लाइटली डोप जंक्शंस ड्यू टू थर्मली जनरेटेड माइनॉरिटी कैरियर्स। अब क्या चीज़ सबसे बेसिक है इसमें से कि ब्रेकडाउन क्यों होता है? ब्रेकडाउन होता है जब कोवलेंट बॉन्ड्स रप्चर होते हैं, तो बाकी के फैक्टर्स हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते या उनका असर इतना ज़्यादा नहीं होता, लेकिन ये हमें सबसे ज़्यादा बेसिक चीज़ पता है कि ब्रेकडाउन कोवलेंट बॉन्ड्स के रप्चर की वजह से होता है, इसलिए हम ऑप्शन बी को सही करते हैं। मोस्टली इन जर्मेनियम जंक्शंस या इन लाइटली डोप्ड जंक्शंस या ड्यू टू थर्मली जनरेटेड माइनॉरिटी कैरियर्स। अब होता है थर्मली जनरेटेड माइनॉरिटी कैरियर्स की वजह से रिवर्स करंट ज़्यादा होता है, मगर ज़रूरी नहीं है कि उसकी वजह से ब्रेकडाउन हो, मगर जब कोवलेंट बॉन्ड्स रप्चर होते हैं तो फॉर श्योर ब्रेकडाउन होता है, इसलिए हम वो वाला ऑप्शन सही करते हैं जो सबसे ज़्यादा बेसिक हो। कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स हैव मोर मोबिलिटी देन होल्स बिकॉज दे आर लाइटर, एक्सपीरियंस कोलिजन्स लेस फ्रीक्वेंटली, हैव नेगेटिव चार्ज, नीड लेस एनर्जी टू मूव देम। होल्स क्या होते हैं? एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब एक होल आपका राइट साइड पे मूव कर रहा है इसका मतलब है कि दरअसल कोई इलेक्ट्रॉन है जो लेफ्ट साइड पे मूव कर रहा है, तो होल राइट साइड पे आएगा। होल इज एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। होल्स कहाँ से आते हैं? अगर एक सिलिकॉन के साथ हम बोरॉन की डोपिंग कर दें तो सिलिकॉन के वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और बोरॉन के वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। बोरॉन के 3 इलेक्ट्रॉन्स सिलिकॉन के 3 इलेक्ट्रॉन्स के साथ कोवलेंट बॉन्ड बना लेंगे, मगर सिलिकॉन का एक इलेक्ट्रॉन के पास खाली जगह रह जाएगी जिसको हम होल कहते हैं। ये होल वैलेंस शेल के अंदर होता है या वैलेंस बैंड के अंदर होता है। इसको फिल करने के लिए इलेक्ट्रॉन कहीं से भी आ सकता है, हो सकता है ये वाला इलेक्ट्रॉन इधर आ जाए या कंडक्शन बैंड में से कोई इलेक्ट्रॉन इधर जंप कर ले, मगर पॉइंट ये है कि होल वैलेंस शेल के अंदर होते हैं, जबकि कंडक्शन इलेक्ट्रॉन कंडक्शन शेल के अंदर या कंडक्शन बैंड के अंदर होते हैं। कंडक्शन बैंड के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो फ्रीली मूव कर सकते हैं, वो एटम के न्यूक्लियस के साथ टाइटली बाउंड नहीं होते, इनको मूव करने के लिए हमें कम एनर्जी की जरूरत होती है, जबकि जो वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन्स या होल्स होते हैं उनको मूव करने के लिए हमें ज़्यादा एनर्जी की जरूरत होती है, इसलिए इसका ऑप्शन डी करेक्ट जवाब है कि कंडक्शन इलेक्ट्रॉन नीड लेस एनर्जी टू मूव दम। बाकी आर लाइटर या एक्सपीरियंस कोलिजन लेस फ्रीक्वेंटली या हैव नेगेटिव चार्ज, तो उनका चार्ज इक्वल एंड ऑपोजिट होता है और बेसिकली होल इलेक्ट्रॉन के इस तरह ऑपोजिट नहीं होता कि होल इलेक्ट्रॉन की एब्सेंस को कहते हैं, इसलिए हम इस ऐसा उनका कंपैरिजन लाइटर के टर्म्स में नहीं कर सकते। इक्विवेलेंट सर्किट फॉर अ रिवर्स बायस पीएन जंक्शन कंसिस्ट ऑफ अ पीएन जंक्शन। जब रिवर्स बायस होता है तो वो बहुत ज़्यादा हाई रेजिस्टेंस शो करा होता है, ऐसा होता है जैसे सर्किट ओपन हो, और ओपन सर्किट को हम किस तरह कंसिडर कर सकते हैं? कैपेसिटर के तौर पर, क्योंकि कैपेसिटर में भी दो प्लेट्स के दरमियान इंसुलेटर होता है, ये एक ओपन सर्किट की कंडीशन होती है, तो पीएन जंक्शन को हम एक कैपेसिटर के तौर पे मॉडल कर सकते हैं जब वो रिवर्स बायस में हो, क्योंकि रेजिस्टेंस उसकी इन्फिनिट होती है, बहुत हाई रेजिस्टेंस होती है। उन्होंने पूछा है रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटर, रेजिस्टेंस इन पैरेलल विद कैपेसिटर, कैपेसिटर ओनली, रेजिस्टर ओनली, कैपेसिटर ओनली। द मेन रीजन व्हाई अ पीएन जंक्शन एग्जिबिट्स कैपेसिटिव इफेक्ट इज दैट बेसिकली पीएन जंक्शन का जो डिप्लीशन रीजन होता है उसमें आइंस होते हैं,
इमोबाइल आइंस अपनी जगह से मूव नहीं कर सकते, और इन आइंस की वजह से एक बैरियर पोटेंशियल आ जाता है। सिलिकॉन के केस में 0.7 वोल्ट होता है, क्योंकि ये चार्ज होते हैं, ये नेगेटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज, इनके दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस आ जाता है। ये पूरा रीजन डिप्लीशन रीजन कहलाता है, क्योंकि इसके अंदर कोई फ्री कैरियर्स नहीं होते और ना ही कैरियर्स इसके क्रॉस मूव कर सकते हैं, यानी ये एक इंसुलेटर की तरह एक्ट करता है। और कैपेसिटर में भी क्या होता है, दो प्लेट्स के दरमियान एक इंसुलेटर होता है, इसलिए पीएन जंक्शन को हम एक कैपेसिटर के तौर पर मॉडल कर सकते हैं। अब पीएन जंक्शन कैपेसिटिव इफेक्ट क्यों शो करता है, मेनली क्योंकि डिप्लीशन रीजन एक इंसुलेटर की तरह एक्ट करता है, उसके अंदर से चार्ज कैरियर्स मूव नहीं कर सकते। हमारे पास क्या ऑप्शंस हैं, विड्थ ऑफ डिप्लीशन रीजन चेंजेस विद अप्लाइड बायस, ये गलत है, क्योंकि डिप्लीशन रीजन जब तक है उसकी विड्थ से कोई फर्क नहीं पड़ता, जब डिप्लीशन रीजन है तो वो कैपेसिटिव इफेक्ट शो करेगा। इसी तरह ऑप्शन डी को भी हम क्रॉस कर सकते हैं कि इट कैन बी रिवर्स बायस्ड, क्योंकि फॉरवर्ड हो गया रिवर्स, डिप्लीशन रीजन तो है। बी और सी कंफ्यूजिंग है, बी है इट हैज अ कैरियर फ्री डिप्लीशन रीजन, जो कि हमें बिल्कुल ठीक लग रहा है, क्योंकि कैरियर फ्री डिप्लीशन रीजन का मतलब है कैरियर यहाँ से नहीं गुजर सकते, इसका मतलब है ये एक इंसुलेटर की तरह एक्ट कर रहा है, इसी वजह से वो कैपेसिटिव इफेक्ट शो कर रहा है। मगर ऑप्शन सी है कि देयर आर इमोबाइल आइंस इन द डिप्लीशन रीजन, आइंस इमोबाइल हैं इस वजह से डिप्लीशन रीजन बना है, अगर आइंस मूव करे होते तो वो डिप्लीशन रीजन ना बनाते। मगर ऑप्शन डी इसलिए ठीक है क्योंकि कैपेसिटिव इफेक्ट उन्होंने पूछा है कि क्यों शो कर रहा है, वो तो कैरियर फ्री डिप्लीशन रीजन की वजह से कर रहा है, कैरियर फ्री डिप्लीशन रीजन क्यों है वो उसकी वजह ऑप्शन सी है। ऑप्शन सी ऑप्शन बी की रीजन है, मगर उन्होंने हमसे ऑप्शन बी की रीजन उन्होंने हमसे पूछी है रीजन कैपेसिटिव इफेक्ट की, इसकी रीजन जो है वो ऑप्शन बी है। एट रूम टेम्परेचर ऑफ 25 डिग्री बैरियर पोटेंशियल फॉर सिलिकॉन इज 0.7, एट 125 डिग्रीज कितना होता है? टू बी ऑनेस्ट इस सवाल का सही जवाब मुझे नहीं पता, ना हमारी बुक में, ना मुझे इंटरनेट से किसी सॉलिड सोर्स से मिला, मगर जब हमें कोई एमसीक्यू ना पता हो तो हम उसको गेस करने की कोशिश कर सकते हैं। तो हम देखते हैं पीएन जंक्शन के अंदर आइंस होते हैं जिसकी वजह से बैरियर पोटेंशियल होता है, और हमने देखा था कि जब रिवर्स बायस में जंक्शन ब्रेक डाउन होता है तो इसलिए होता है कि पी टाइप पे जो माइनॉरिटी कैरियर्स होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, और एन साइट पे जो होल्स होते हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी इतनी ज्यादा हो जाती है कि जब वो इस बैरियर के कोवलेंट बॉन्ड्स से टकराते हैं तो वो उनको ब्रेक कर देते हैं, जिसकी वजह से जंक्शन ब्रेक डाउन होता है। जब हम हीट करते हैं तब भी माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स की पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा हो जाती है, क्योंकि वो हीट काइनेटिक एनर्जी की सूरत में उनके सामने आती है। इस वजह से जब टेम्परेचर ज्यादा कर रहे हैं तो भी वही जंक्शन ब्रेक डाउन वाला इफेक्ट हो सकता है किसी हद तक, और ये कोवलेंट बॉन्ड्स ब्रेक करेंगे तो बैरियर डैमेज होगा, बैरियर पोटेंशियल कम होना चाहिए। इसके मुताबिक मेरे पास चार ऑप्शंस हैं, मैं ये कहती हूँ कि बैरियर पोटेंशियल कम होना चाहिए जब हम टेम्परेचर ज्यादा करेंगे। 0.7 का मतलब है कि उतना ही रहेगा, उतना नहीं रहेगा, कम होगा हमारे ख्याल में। 0.9 0.7 से ज्यादा है, ज्यादा नहीं हो सकता, ये भी गलत हो गया। या 0.3 या 0.5, अब हमने ये फैसला करना है कि कम होगा तो कितना कम होगा। 100 डिग्री का चेंज है, 100 डिग्री कोई बहुत ज्यादा नहीं होता सेमीकंडक्टर्स के लिए, इसलिए मेरे ख्याल में 0.7 से 0.3 हो जाना का मतलब है कि बहुत ज्यादा कम हो जाएगा, इसलिए मैं 0.5 को चूज करूंगी। 0.3 अब हो सकता है, लेकिन मैंने चूंकि गेस करना है और मुझे लग रहा है कि 100 डिग्री से इतना ज्यादा फर्क नहीं आना चाहिए बैरियर पोटेंशियल में, इसलिए मैं 0.5 को चूज कर रही हूँ। अगर आपको इसका सही जवाब पता है बाय द वे, तो आप कमेंट्स में शेयर कर सकते हैं। अंडर सिमिलर कंडीशंस जर्मेनियम हैज हायर रिवर्स सैचुरेशन करंट देन सिलिकॉन। जर्मेनियम के न्यूक्लियस के अंदर 32 प्रोटॉन्स और उसके इलेक्ट्रॉन्स भी 32 होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स उसके न्यूक्लियस से ज्यादा दूर होते हैं एज कम्पेयर टू सिलिकॉन, जिसकी कोर के अंदर 14 होते हैं प्रोटॉन्स और 14 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बाहर, ये न्यूक्लियस के ज्यादा करीब होते हैं, इसलिए इनको डिटैच करना मुश्किल होता है, इसलिए जर्मेनियम के अंदर ज्यादा फ्री कैरियर्स होते हैं। अंडर सिमिलर कंडीशन जर्मेनियम हैज हायर रिवर्स सैचुरेशन करंट देन सिलिकॉन बिकॉज लो टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, ये इसकी वजह नहीं है, इसकी वजह है ज्यादा चार्ज कैरियर्स, ज्यादा फ्री चार्ज कैरियर्स, मोर माइनॉरिटी कैरियर सिंस दे आर इजिली डिटैचेबल फ्रॉम देयर एटम्स। ये इसका सही जवाब है कि उसके अंदर माइनॉरिटी कैरियर ज्यादा होते हैं, माइनॉरिटी भी मेजॉरिटी भी। जर्मेनियम की कंडक्टिविटी जनरली सिलिकॉन से ज्यादा होती है। हेवली डोप जंक्शन, ये तो कोई किसी भी जंक्शन को हम हेवली डोप कर सकते हैं। हायर बैरियर पोटेंशियल जर्मेनियम का तो लोअर होता है, जर्मेनियम का 0.3 होता है और सिलिकॉन का 0.7 होता है, सिलिकॉन का ज्यादा होता है, इसलिए ये तो वैसे ही गलत है।